ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कुछ एपिसोड से हम शुभ भावना और शुभ कामना के बारे में बात कर रहे हैं, द पावर ऑफ गुड विशेस, और वो कैसे काम करती है। तो आज भी हम एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आपके लिए आए हैं, और हर बार की तरह क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे साथ है बीके सरिता दीदी। दीदी, आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो दीदी, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है कि जैसे आजकल हम न्यूज में देखते हैं कि कहीं पर कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है या कहीं पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब मैन मेड कैलामिटी कहीं पर होती है, तो बहुत लोग उसमें अफेक्ट होते हैं और हम देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे में शुभ भावना काम करती है? और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो शुभ सोच रहे हैं लेकिन वो परिस्थिति बदल नहीं रही है, तो क्या शुभ भावना रखने की कोई विधि है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई ने पूछा है, क्योंकि ये सीरियसली होता है कि आजकल न्यूज में तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है और हम कुछ नहीं कर पाते, डर जाते कभी कभी, लेकिन क्या उस परिस्थिति को भी परिवर्तन करने की शक्ति हम में है? जरूर। परमात्मा कहते हैं शुभ भावना माना शक्तिशाली शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प है लेकिन बहुत पावरफुल संकल्प है। इन संकल्पों की स्पीड क्या है? आपका शुभ संकल्प उत्पन्न होना, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इनको शांति मिल जाए, आपका संकल्प उत्पन्न होना और जिनके प्रति आप ये संकल्प करते हो उनको अनुभूति होना, कहां से तो भी मुझे सहयोग मिल रहा है, कहां से तो भी मुझे शांति मिल रही है, दुआ मिल रही है, तो इसकी पावर कितनी है। यहां उत्पन्न हुआ और यहां पहुंच गया, सेकंड की भी बात नहीं है। तो क्यों, अगर ये इतना शक्तिशाली है तो तुरंत पहुंच सकता है। अभी रही तीसरी बात, ये जो मैनमेड कलामिटी होती है या फिर नेचुरल कलामिटी होती है, बाढ़ है, भूकंप है, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट है, या फिर कोई बिल्डिंग गिर जाना, कुछ भी ऐसा हादसा होता है, तो क्या ऐसे समय पर हम मदद कर सकते हैं? यस। लोग, चीजें, धन, बचाव कार्य, इससे तो लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार हम उस स्थान पर नहीं जा सकते हैं, हम खाली समाचार सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, खाली न्यूज सुनकर डिस्कस करने के बजाय हम बैठ जाए शांति में, एकाग्रता से संकल्प करें, हे आत्माएं, जो भी इस हादसे में आप फंसी हो, आपको जल्दी से जल्दी राहत मिले, जल्दी से जल्दी आपको सहयोग मिले, जल्दी से जल्दी आप इस हादसे से बाहर निकल जाए, आप सुरक्षित हो जाए, आपकी सुरक्षा के लिए चारों ओर से सभी प्रकार की यंत्रणा जागृत हो जाए। अभी जब हम यह संकल्प करते हैं ना, तो जैसे हम दुआ भेज रहे उनके लिए, और कहते दुआएं लग जाती है, और सचमुच हम कई बार ऐसा देखते भी है कि जैसे एक हाथ कोई, हमें देखो कई बार ऐसे फोटोज आते हैं, देखा इस कार का कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, पूरी कार जैसे एकदम क्रैश हो गई, सैंडविच बन गई, तो हर एक को लगता है अरे इस कार में जो चार व्यक्ति थे सारे के सारे गए होंगे, लेकिन फिर आता है कि देखो इनकी दुआएं कितनी श्रेष्ठ थी, इनके पीछे इन दुआएं कितनी श्रेष्ठ थी कि चारों के चारों जो कार में थे सिर्फ एक खरोच आई, बाकी कुछ उनको हुआ नहीं, और वो भी आश्चर्य करते कि इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। या फिर कई बार आप देखते हैं बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी गिर जाती, मेजॉरिटी लोग, कई लोग उसमें अटक जाते, फंस जाते, मर जाते, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, कई बार एक बच्चा मिलता है, कई बार एक व्यक्ति मिल जाता है जिंदा है, तो क्या कहते हैं, दुआ इसको है,
दुआओं के कारण ये जिंदा है। तो इसका मतलब इस दुनिया में हमारे लिए कोई ना कोई दुआ जरूर कर रहा है, तभी तो रक्षा होती है ना। तो हमें भी रोज क्या करना चाहिए, रोज हमने इस विश्व की सारी आत्माओं के लिए दिल से, एकाग्रता से, एकांत में बैठकर दुआ करनी चाहिए। हे परमात्मा, सब आत्माओं का कल्याण हो जाए, सभी आत्माएं संकट से निकल जाए, सभी आत्माएं सुरक्षित रहे, सभी का कल्याण हो। जब हम ये शुभ संकल्प करते हैं ना, तो हमारे शुभ संकल्प उनके लिए एक छत्र छाया तैयार करते हैं, सेफ्टी का कवच। लेकिन मानो में ये दुआएं अचानक नहीं मिलती है, ये दुआएं कमानी होती है। वी हैव टू अर्न ब्लेसिंग्स। और ये जो हमने जमा की हुई दुआएं हैं, वो अचानक के ऐसे समय पर हमारे पीछे सेफ्टी का कवच, सुरक्षा कवच बनकर सामने आ जाती है। लेकिन दीदी, दुआएं कमाए कैसे? क्योंकि दुआ देना, जैसे आपने कहा, संकल्प अच्छे क्रिएट करना बहुत इजी है, सबका कल्याण हो जाए, लेकिन दुआ कमाए कैसे? तो उसके लिए कोई टेक्निक है? जरूर। जैसे हम इंश्योरेंस निकालते हैं ना, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? तो हम निकाल कर जैसे हम फ्यूचर की प्रोविजन कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे निगेटिव भावना नहीं रहती है, सेफ्टी का एक भाव रहता है। कुछ भी कल ऐसा हादसा हो जाए ना, तो हम सुरक्षित रहे, और हम उसे ईयर टू ईयर रिन्यूअल भी करा देते हैं। सेम हियर, दुआएं कमानी है, दुआएं कमाना माना अपना इंश्योरेंस, रोज का इंश्योरेंस निकालना। तो ये कैसे कमाते हैं? एक, रोज रोज दुआएं सारे विश्व के लिए भेजो, विश्व की सारी आत्माओं के लिए, अपने कांटेक्ट में आने वाली सारी आत्माओं के लिए, सब के लिए रोज दुआएं भेजो, रोज नियमित रूप से ये प्रोग्राम जरूर करना। इसको कितना टाइम लगता है? 5-10 मिनट्स, लेकिन बड़े प्यार से, एकाग्रता से, ठीक है। दूसरा, ऐसे कर्म करे जो सामने वाला दुआ दे। इसलिए कहते हैं ना, चलो तो ऐसे चलो, निशान बन जाए। कर्म करो तो ऐसे करो जो दुआ मिल जाए। ऐसे कर्म करें जो सामने वाला कहे, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया, थैंक यू, मेरा दिल कहता है आपको शुक्रिया, थैंक यू। ये जो उनके दिल से थैंक यू निकलता है ना, शुक्रिया निकलता है, दिस इज गुड एनर्जी, दिस इज पॉजिटिव एनर्जी। और वो जितने हम जितने ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतनी वो एनर्जी हमारे पास आते आते हमारे चारों ओर एक सेफ्टी का कवच तैयार करेगी, प्लस हमारे लिए भविष्य में भी एक बैकबोन की तरह खड़ी हो जाएगी और हमारी रक्षा करेगी। और इसलिए कई बार ऐसा महसूस होगा कि समय जैसे काल आ गया था, लेकिन समय नहीं था हमारा, बच गए हम। कोई भी अगर इस जगह पर होता तो वो तो कब का चला जाता, लेकिन मालूम नहीं हम इसमें कैसे क्या बच गए, किसी फरिश्ते ने बचाया। तो वो फरिश्ता कैसे, कहां से आया वो फरिश्ता, किसने भेजा? तो हमारे हमने जो दुआएं कमाई ना, वही दुआएं फरिश्ते के रूप में मदद करके चली जाती है। दुआओं का अनुभव मैंने भी एक बार किया, मैंने बहुत बार किया है, लेकिन ये एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि मैं अमेरिका में एक बार ड्राइव कर रहा था, और ड्राइव करते हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, पार्क करने के लिए जा रहे थे, तो मेरे सामने वाली आगे की जो कार थी उसमें एक बूढ़ी माता जी थी, और वो ड्राइव करते करते स्टॉप किया और उसने रिवर्स किया गाड़ी विदाउट सीइंग कौन है पीछे। तो मेरी गाड़ी को जोर से आके टकराई, और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ उसमें, और मैं उस वक्त ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे इतना भी गुस्सा नहीं आया। तो मैंने उसको एक्चुअली गाड़ी से उतार के उसको पूछा, बहन जी आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? और उसको भी इतना दिल से अच्छा लगा, तो वो भी देखती है मेरी गाड़ी को तो इतना भी स्क्रैच नहीं था, उसकी गाड़ी को बहुत कुछ नुकसान हुआ था, बट शी रियलाइज दैट इट वॉज हर मिस्टेक।
अगर मैं भी उस वक्त कुछ झगड़ा करता तो वो शायद वो बढ़ जाता, लेकिन ये दुआओं का ही असर था कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ और दैट लेडी ऑल्सो वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने कुछ सीन नहीं क्रिएट किया। तो ये दुआओं का असर तो डेफिनेटली होता है। तो मैं भी अपने दर्शकों को वही कहना चाहूंगा कि जैसे दीदी ने कहा है हमें कि दुआ कैसे अच्छी कमानी है, एक तो अच्छा कर्म है, दूसरों को दुआ देना है, शुभ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प करने हैं, तो उससे हमें भी दुआ मिलेगी एंड इन बिग बिग सिचुएशंस वी विल गेट प्रोटेक्टेड। तो और एक बात है आशीष भाई, कई बार हम दुआएं ना सिर्फ हम अपने अपने रिश्तों के लिए, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स के लिए देते हैं, ओनली फॉर माय, लाइक दिस एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू माय फैमिली एंड माय बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं, ब्रेक दिस हैबिट। अरे आपको मालूम है कहाँ कहाँ पर आप जाएंगे, दुनिया के कौन से कॉर्नर पर जाएंगे, तो हमेशा न फैमिली रहेगी न फ्रेंड्स रहेंगे साथ में। लेकिन ऐसे समय पर अगर हम पूरे विश्व को रोज दे रहे हैं दुआएं, तो कहां से भी वो दुआएं एंजल के रूप में सामने आ जाएगी। इसलिए मैं और मेरा इससे डिटैच होके सारे विश्व को, सारे विश्व की आत्माओं को बड़े प्यार से रोज ब्लेसिंग्स दे, दुआएं दें। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इसके लिए हम कुछ मेडिटेशन करें टू रिमूव दैट ब्लॉकेज, बिकॉज आई थिंक मैं और मेरा हमारा एक ब्लॉकेज, एक वॉल क्रिएट करता है जिसके आगे हम जा नहीं सकते हैं। तो हम इसके लिए कुछ सकाश जिसको हम कहते हैं, उसके लिए कुछ मेडिटेशन करें। जरूर जरूर। ओम शांति। आइए हम सारे विश्व को शुभ भावना देते हैं। अपने मन को एकदम शांत और स्थिर कर दीजिए और एक एक शुभ संकल्प के साथ उसके अनगिनत वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैल रहे हैं, इसे विजुलाइज कीजिए। विश्व की सर्व आत्माओं को मन की शांति मिले, सर्व आत्माओं को संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, सभी सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो, सबके बिगड़े हुए काम सुधर जाए, सबके घरों में प्रेम की गंगा बहे, सबका सब कुछ अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो।